समाज में युवाओं के बीच बढ़ता नशा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नशे के घातक परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए सिरमौर के दो युवाओं मोहित और नितिश ने शिमला तक दौड़ लगाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। दोनों युवाओं ने बताया कि वे दौड़ के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने और खेलों को अपनाने का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने गांव से शिमला तक 80 किलोमीटर की दौड़ लगाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि दिनों दिन बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति आज के समय में युवा वर्ग के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए स्वयं युवाओं को भी आगे आना होगा। हमारा मेन मोटिव है यही है, जो नशे के खिलाफ आजकल के जो नए युवा नशे से देखते हम बहुत ही ज्यादा। अभी दिवाली का फंक्शन था तो हमारे ही गांव में कोई हम 15-16 साल के बच्चे नशे से बहुत ही, उनका बहुत ही बुरा हाल था। तो इसलिए हमारे मन में खुद से ही सवाल आया कि यही करते एक रैली। हमारा फेसबुक में रोज एक पेज है, उसमें भी हम लाइव आते थे तो उसमें काफी लोग जुड़ते थे हमारे से। तो हमारे एक जो टारगेट था वो यही था शिमला का, लगभग कोई 80 किलोमीटर का ये हमारी रोड रनिंग थी। तो हम सुबह 3 बजे के करीब चले थे वहाँ से घर से, तो हम बीच में काफी जगह हमें मोटिवेट भी किया गया पुलिस द्वारा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। फिटनेस ही ऐसा एक जरिया है जिससे कि हम युवाओं को मतलब दूर कर सकते हैं नशे से। और जो हमारा युवा है आजकल काफी देखा जाता है कि वो नशे में काफी हद तक पड़ा हुआ है। छोटे बच्चे भी हमने देखे काफी, हमारे जो स्कूल में भी हमने काफी देखा। तो उन्हें हमने सोचा कि इन्हें कुछ इंस्पायर किया जाए, हम खुद कुछ ऐसा करें जिससे कि ये लोग हमें देखकर इंस्पायर हो और ये फिटनेस के प्रति जागरूक हो और खेलों के प्रति इनका रुझान बढ़े।